क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 1872, उसमें आज हम देखेंगे अध्याय 5 जो दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में उपबंध करता है। तो धारा 61 जो है वो बोलता है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। तो दस्तावेजों की अंतर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु कैसे साबित की जा सकेगी, तो या तो प्राथमिक साक्ष्य से या फिर द्वितीयक साक्ष्य से साबित की जा सकेगी ऐसा। अब देखो धारा 62 जो है वो बोलता है कि प्राथमिक साक्ष्य। तो प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है, और स्पष्टीकरण 1 में बोलता है कि जहां की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। और जहां की कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उनका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य है। ठीक है, तो किनके विरुद्ध है, जिन पक्षकारों ने उनको निष्पादित किया है उनके। अब देखें स्पष्टीकरण 2 बोलता है कि जहां की अनेक दस्तावेजें एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से हर एक शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु जहां की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहां वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं होंगे। अब देखें दृष्टांत कि यह दर्शित किया जाता है कि एक ही समय एक ही मूल से मुद्रित अनेक प्ले कार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं। इन प्ले कार्डों में से कोई भी एक अन्य किसी भी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु उनमें से कोई भी मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। अब देखते हैं कि द्वितीयक साक्ष्य क्या होते हैं। तो द्वितीयक साक्ष्य क्या है, द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं। पहला, एतस्मिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां, और दूसरा है कि मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं बनाई गई प्रतियां, और ऐसे प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां। और तीसरा है कि मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां। और चौथा, देखे उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख। और पांचवा है, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस वस्तु द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। अब दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं कि किसी मूल का फोटोचित्र, यद्यपि दोनों की तुलना न की गई हो, तथापि यदि यह साबित किया जाता है कि फोटोचित्रित वस्तु मूल थी, तो उस मूल की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य होगा फोटो। अगला देखें कि किसी पत्र की वह प्रति जिसकी तुलना उस पत्र की उस प्रति से कर ली गई है जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई है, उस पत्र की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है। यदि वह दर्शित कर दिया जाता है कि प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई प्रति मूल से बनाई गई है। अगला उदाहरण देखें कि प्रति की नकल करके तैयार की गई किंतु तत्पश्चात मूल से तुलना की हुई प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य है, किंतु इस प्रकार तुलना नहीं की हुई प्रति मूल का द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, यद्यपि उस प्रति की जिससे वह नकल की गई है मूल से तुलना की गई थी। अब उसके बाद देखें, ना तो मूल से तुलनात्मक प्रति का मौखिक वृत्तांत और ना मूल के किसी फोटोचित्र या यंत्रकृत प्रति का मौखिक वृत्तांत मूल का द्वितीयक साक्ष्य है। धारा 64 देखते हैं कि दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। ठीक है, तो दस्तावेजें एतस्मिन पश्चात वर्णित अवस्थाओं के सिवाय प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी होंगी। तो आपको क्या करना है कि दस्तावेजों जो है वो बस प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी है। अब धारा 65 देखते हैं कि अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है। तो किसी दस्तावेज के अस्तित्व दशा या अंतर वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य,
निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जाएगा। तो किन अवस्थाओं में दिया जाएगा? कहा जबकि यह दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत होता है कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है या शक्तिधीन है जिससे जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना इप्सित है, जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच से बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्यधीन नहीं है अथवा जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। और जबकि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात उसे पेश नहीं करता है, और खा जबकि मूल के अस्तित्व दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है, और ग है कि जबकि मूल नष्ट हो गया हो या खो गया है अथवा जबकि उसकी अंतर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुद्भुत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता। अगला देखते हैं कि जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अगला देखें कि जबकि मूल धारा 74 के अर्थ के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज है, और अगला देखें जबकि मूल दस्ता ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणिक प्रति का साक्ष्य दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अनुज्ञात है। छह, जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधा पूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती, वह तथ्य जिसे साबित किया जाना संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। अवस्थाओं क, ख और ग में दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का कोई भी द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य है। अवस्था ख में यह लिखित स्वीकृति ग्राह्य है, और अवस्था अंग और च में दस्तावेजों की प्रमाणिक प्रति ग्राह्य है किंतु अन्य किसी भी प्रकार का द्वितीय साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। अवस्था छ में दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उसकी परीक्षा की है और ऐसी दस्तावेजों की परीक्षा करने में कुशल है। अब देखते हैं धारा 65 का कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष रूप पर। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु जो है धारा 65 ख के उपबंधों के अनुसार साबित की जा सके। 65 ख बोलता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। तो उपधारा एक, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किसी सूचना को जो कंप्यूटर द्वारा उत्पादित या किसी कागज पर मुद्रित है, प्रकाशिकी या चुंबकीय मीडिया से भंडारित अभिलिखित या नकल की गई हो, जिसे इसमें पश्चात कंप्यूटर निर्गम कहा गया है, जब एक दस्तावेज समझा जाएगा यदि प्रश्नगत सूचना और कंप्यूटर के संबंध में इस धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी कर दी जाती और वह मूल के किसी अंतर्वस्तु या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में जिसका प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है अतिरिक्त सबूत या मूल को पेश किए बिना ही कार्यवाही में ग्राह्य होगा। अब देखें उपधारा दो की कंप्यूटर निर्गम की बाबत उपधारा एक में वर्णित निम्नलिखित शर्तें होंगी, अर्थात क, सूचना से युक्त कंप्यूटर निर्गम कंप्यूटर द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था जिसमें उस व्यक्ति द्वारा जिसका कंप्यूटर के उपयोग में विधिपूर्ण नियंत्रण था उस अवधि में नियमित रूप से किए गए किसी क्रियाकलाप के प्रयोजन के लिए सूचना भंडारित करने या प्रसंस्करण करने के लिए नियमित रूप से कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। खा देखें कि उक्त अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्विष्ट किस्म की सूचना या उस किस्म की जिसमें इस प्रकार अंतर्विष्ट सूचना व्युत्पन्न की जाती है उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में नियमित रूप से भरी गई थी। और गा देखें कि उक्त अवधि के महत्वपूर्ण भाग में अद्योपान्त कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य कर रहा था अथवा यदि नहीं तो उस अवधि के उस भाग के बाबत जिसमें कंप्यूटर समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा था वह उस अवधि में प्रचालन में नहीं था। ऐसी अवधि नहीं थी जिससे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की शुद्धता प्रभावित हो सके। घ देखें कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अंतर्वृष्ट सूचना ऐसी सूचना से पुनः उत्पादित या व्युत्पन्न की जाती है जिसे उक्त क्रियाकलापों के सामान्य अनुक्रम में कंप्यूटर में भरा गया था।
उपधारा 3 जहाँ की किसी अवधि में उपधारा 2 के खंड क में यथा उल्लिखित इस अधिनियम के दौरान नियमित रूप से किए गए किन्हीं क्रियाकलापों के प्रयोजन के लिए सूचना के भंडारण या प्रसंस्करण का कार्य कंप्यूटरों द्वारा नियमित रूप से निष्पादित किया गया था, चाहे यह उस अवधि में कंप्यूटर के प्रचालन के संयोजन द्वारा, ख उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा, और घ उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालित कंप्यूटरों के विभिन्न संयोजन द्वारा, और घ उस अवधि में उत्तरोत्तर प्रचालन में अंतर्वलित करते हुए किसी अन्य रीति में हो, चाहे वह एक या अधिक कंप्यूटरों या एक या अधिक कंप्यूटरों के संयोजन द्वारा किसी भी क्रम में हो। तो उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कंप्यूटर इस धारा के प्रयोजनों के लिए एकल कंप्यूटर के रूप में माने जाएंगे। इस धारा में कंप्यूटर के प्रति निर्देश तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। किन्हीं कार्यवाहियों में जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में विवरण दिया जाना वांछित है, निम्नलिखित बातों में से किसी बात को पूरा करते हुए प्रमाण पत्र अर्थात विवरण से युक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान करना और उस रीति का वर्णन करना जिससे इसका उत्पादन किया गया था, उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के उत्पादन में अंतर्वलित किसी युक्ति को ऐसे विशिष्टियां देना जो यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का कंप्यूटर द्वारा उत्पादन किया गया था, और ऐसे विषयों में से किसी पर कार्यवाही करना जिससे उपधारा 2 में निम्नलिखित शर्तें संबंधित हैं, और किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्य होना जो सुसंगत युक्ति के प्रचालन या सुसंगत क्रियाकलाप के संबंध में जो भी समुचित हो, संबंध में उत्तरदायी पदी हैसियत में हो, प्रमाण पत्र में कथित किसी विषय का साक्ष्य होगा और इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे विषय के लिए यह कथन पर्याप्त होगा कि यह कथन करने वाला व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कहा गया है। उपधारा 5, इस धारा के प्रयोजन के लिए का सूचना के किसी कंप्यूटर को प्रदाय की गई समझी जाएगी यदि यह किसी समुचित रूप में प्रदाय की गई है, चाहे इस प्रकार किया गया प्रदाय सीधे मानव मध्यक्षेप सहित या रहित या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम द्वारा किया गया हो, ख चाहे किसी पदाधिकारी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अनुक्रम में सूचना इसके भंडारित या प्रसंस्कृत किए जाने की दृष्टि से उक्त क्रियाकलापों के अनुक्रम से अन्यथा प्रचालित कंप्यूटर द्वारा उक्त क्रियाकलापों के प्रयोजन के लिए प्रदाय की जाती है, वह सूचना यदि सम्यक रूप से कंप्यूटर को प्रदाय की जाती है तो उन क्रियाकलापों के अनुक्रम में प्रदाय की गई समझी जाएगी। और ग कंप्यूटर उत्पाद को कंप्यूटर द्वारा उत्पादित समझा जाएगा, चाहे यह इसके द्वारा सीधा उत्पादित हो या मानव मध्यक्षेप सहित या रहित या किसी समुचित उपस्कर के माध्यम से हो। स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजन के लिए अन्य सूचना से व्युत्पन्न की गई सूचना के प्रति कोई निर्देश परिकलन तुलना या किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा उससे व्युत्पन्न के प्रति निर्देश होगा। धारा 66 पेश करने की सूचना के बारे में नियम। तो धारा 55 खंड का में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का द्वितीय साक्ष तब तक नहीं दिया जा सकेगा जब तक कि द्वितीय साक्ष देने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार ने उस पक्षकार को जिसके कब्जे में या शक्तिधीन वह दस्तावेज है या उसके अटॉर्नी या प्लीडर को उसे पेश करने के लिए सूचना जैसे कि विधि द्वारा विहित है, और यदि वह विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं हो तो ऐसी सूचना जैसी न्यायालय मामले में परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त समझता है न दे दी हो, परंतु ऐसी सूचना निम्नलिखित अवस्थाओं में किसी में अथवा किसी भी अन्य अवस्था में जिसमें न्यायालय उसके लिए जाने से अभिमुक्ति प्रदान कर दे, द्वितीय साक्ष को ग्राह्य बनाने के लिए अपेक्षित नहीं की जाएगी। पहला, जबकि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना है। दूसरा, जबकि प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उससे अपेक्षा की जाएगी। तीसरा, जबकि यह प्रतीत होता है कि या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कपट या बल द्वारा अभिप्राप्त किया है। चार, जबकि मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में है। और छह, जबकि प्रतिपक्षी पांच, जबकि प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने उसको
खो जाना स्वीकार कर लिया है, और छह जबकि दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर या ऐसी आदेशिका के अधीन नहीं। धारा 67, जिस व्यक्ति के बारे में अभी कथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना। तो यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या पूर्णतः या भागतः लिखी गई हो, अभी कथित है, तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर या उस दस्तावेज के उतने हस्तलेख जितने के बारे में यह अभी कथित है कि वह उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, उसके हस्तलेख में है। धारा 67 का इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में सबूत। तो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की दशा के सिवाय यदि यह अभी कथित है कि हस्ताक्षरकर्ता या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में लगाया गया है, तो यह तथ्य साबित किया जाना चाहिए कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह हस्ताक्षर का इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह है। धारा 68, ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। तो यदि किसी दस्तावेज या अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में न लाया जाएगा जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी, यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित और न्यायालय की आदेशिका के अधीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो, तो उसका निष्पादन साबित करने के लिए प्रयोजन से न बुलाया गया। परंतु ऐसी किसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए जो विल नहीं है और जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक न होगा जब तक कि उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा उसका निष्पादन होना तात्पर्यित है विनिर्दिष्टतः न किया गया हो। धारा 69, जब किसी अनुप्रमाणक साक्षी को पता न चले तब सबूत। तो यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके अथवा यदि दस्तावेज का यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित होना तात्पर्यित हो, तब यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण उसी के हस्तलेख में है तथा यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है। धारा 70, अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। तो अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा, यद्यपि वह ऐसी दस्तावेज को जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। अब देखते हैं धारा 71, जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है तब सबूत। तो यदि अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे या उसके निष्पादन का स्मरण न हो, तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सके। धारा 72, उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, ऐसे साबित की जा सके कि मानव वह अनुप्रमाणित नहीं हो। धारा 73, हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की तुलना में अन्यों में से स्वीकृत या साबित। तो यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर लेख मुद्रा उस व्यक्ति की है जिसके द्वारा उसका लिखा या किया जाना तात्पर्य है किसी हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की जिसके बारे में यह स्वीकृत है या न्यायालय को समाधान प्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया या किया गया था, उससे जिससे साबित किया जाना है तुलना की जा सकेगी यद्यपि वह हस्ताक्षर लेख मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिए पेश या साबित न की गई हो। तो न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों अंकों को लिखने का निर्देश न्यायालय इस प्रयोजन से दे सकेगा कि ऐसे लिखे गए शब्दों अंकों की किन्हीं ऐसे शब्दों या अंकों की तुलना करने के लिए न्यायालय समर्थ हो सके जिनके बारे में अभी कथित है कि वे उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं। यह धारा किन्हीं आवश्यक उपांतरों के साथ अंगुली छापों को भी लागू होती है। अब देखते हैं धारा 73 का इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के सत्यापन के बारे में सबूत। तो यह अभी निश्चित करने के लिए कि क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह उस व्यक्ति का जिसके द्वारा उसका लगाया जाना तात्पर्यित है, न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि वह व्यक्ति या
नियंत्रक या प्रमाणकर्ता अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र पेश करे और ख कोई अन्य व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के लिए आवेदन करे और उस इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह को जिसका उस व्यक्ति द्वारा लगाया जाना तात्पर्य है सत्यापित करे। स्पष्टीकरण है, इस धारा के प्रयोजन के लिए नियंत्रक से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त नियंत्रक अभिप्रेत है। तो बाकी की धाराएं कल की क्लास में देखेंगे।